पुष्पा, अब होगा पुष्पा का रूल। तो फाइनली गाइस पुष्पा 2 के रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है इसके शूटिंग के रिलेटेड, एंड साथ में गाइस इसमें एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। तो इस नाम से जुड़ने से क्या नॉर्थ में ये ज़्यादा क्वेश्चन कर सकती है, क्योंकि इसमें एक बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम जुड़ा है, उसका नाम बताएंगे, शूटिंग का ऐसा कुछ बताएंगे। उससे पहले छोटी स्क्वाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। देखो गाइस मैं यहाँ पे जो पुष्पा का ग्लिम्स आया था तो यहाँ पे थोड़े दिन पहले, तो आप सभी को पता ही था उसने किस तरह धमाका किया था। यहाँ पे वो ट्रेंडिंग पे चल रहा था और सभी के सभी भी ये बोल रहे थे कि अभी वेट नहीं किया जा सकता, आखिरकार हमें पुष्पा 2 कब सिनेमाघरों में दिख सकती है। देखो अगर मैं पुष्पा 1 की बात करूं तो उसने अच्छा क्वेश्चन किया था। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना होगा नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे हिंदी आइडियंस किस तरह इसको रिस्पॉन्स दे रही है। देखो यहाँ पे पार्ट 1 की बात करूँ उसने किया था 100 करोड़ के आसपास क्वेश्चन, और उसकी मेन लैंग्वेज जन में तेलुगु की बात गाइज तो तेलुगु में ये 150 को भी टच नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। अगर यहाँ पे गाइस अगर मैं अभी यहाँ पे पुष्पा 2 की मैं सेकंड की बात करूँ सेकंड पार्ट की, तो जस्ट मुझे गाइस लग रहा है कि इस बार हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेगा पुष्पा 2 और ये तेलुगु को भी वीट कर देगा। हम सभी को पता है कि स्टार्डम तेलुगु का तेलुगु लैंग्वेज किस तरह का है अल्लू अर्जुन का, लेकिन अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग हिंदी में भी काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्थ में भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें नॉर्थ में अभी और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मेकर्स ने एक और नाम इसमें ऐड कर लिया है, रणवीर सिंह का। जी हाँ गाइस अभी फ़िलहाल के लिए कंफर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कॉप प्ले रोल करने वाले हैं, यानी वो हमें पुलिस के कैरेक्टर में दिखने वाले हैं, और हम सभी को पता है कि पुलिस में ऑलरेडी फरहा तो है ही है, लेकिन उनके साथ साथ हमें ये भी दिखने वाले हैं, और ये हमें एक नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल के लिए जैसे मैंने आप सभी को स्टार्टिंग से बताया अभी कन्फर्म नहीं है, और यूनिफॉर्म में रणवीर सिंह का सभी को पता है किस तरह दिखते हैं, उनकी एक्टिंग उनकी लुक, तो मज़ा आएगा देखने के लिए। जैसे मैंने आप सबको स्टार्टिंग से बताया कि मे बी यहाँ से हिंदी आइडियंस और भी जा सकती हैं मूवी देखने के लिए जिन्होंने पुष्पा 1 नहीं देखी थी, और ये भी लगता है कि इस बार हिंदी में हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करती हुई नज़र आ सकती है, और इस बार ये भी लगता है कि पूरे ऑल लैंग्वेज में डोमेस्टिक नेट की बात करूँ गाइस तो क्या लगता है गाइस आपको 500 करोड़ सिर्फ डोमेस्टिक नेट क्रॉस करेगी या फिर नहीं करेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। और बाकी गाइस अभी फिलहाल के लिए ये मूवी 2024 को रिलीज हो रही है। तो गाइस बाकी और अपडेट्स आएगी तो फिर मिलेंगे, छोटी सी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। बाकी गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।